हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो कल जो अपन ने टॉपिक की शुरुआत की थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, उसका नाम था अशोक की धम्म की नीति। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए आज अपन बात करते हैं जो अशोक का धम्म था, जो अलग अलग जगह पे अशोक ने अपने अभिलेख लगवाए, उनकी विषय वस्तु क्या थी, उसमें लिखा हुआ क्या था। तो आप लोग लिखो अशोक के धम्म की विषय वस्तु, कंटेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं, कंटेंट्स विषय वस्तु, उसके अंदर क्या था। इसमें लिखो अशोक के धम्म की, अशोक के धम्म की विषय वस्तु इस तरीके से, अशोक के धम्म की विषय वस्तु इस तरीके से तैयार की गई थी, इस तरीके से तैयार की गई थी ताकि ताकि विभिन्न आस्था वाले लोग ताकि विभिन्न आस्था वाले लोग किसकी बाद में मिलना ना, अभी क्लास हो रही है, क्लास के बाद मिलना, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, इस हिसाब से तैयार किए गए थे ताकि विभिन्न आस्था के लोग इसको आसानी से, इसका आसानी से अनुकरण कर सके। विभिन्न आस्था के लोग आसानी से इसका अनुकरण कर सके, इसका अनुकरण कर सके। फिर इसके आगे लिखो, एक अभिलेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है, एक अभिलेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, अन्य अभिलेख में इस प्रश्न का जवाब देता है, और अन्य अभिलेख में इस प्रश्न का जवाब देता है। आ जाओ, अभिलेखों में जनता के द्वारा करने योग्य, जनता के द्वारा करने योग्य आचरण पर बल दिया है, जनता के द्वारा करने योग्य आचरण पर बल दिया है। जैसे अपने गुरु का सम्मान, जैसे अपने गुरु का सम्मान, कौमा माता पिता, दास माता पिता, दास नौकर, ब्राह्मण और श्रमण। श्रमण का मतलब होता है जो साधु संत हुआ करते थे, श्रमण। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि श्रमण कौन हुआ करते थे। श्रमण, श्रवण वाला श्र है, श्रमण। श्रमण का अर्थ था साधु संत और श्रमण। इनको सम्मान और दान दक्षिणा देने की बात कही है, इनको सम्मान और दान दक्षिणा देने की बात कही है। मतलब गुरुओं को दान दक्षिणा दो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, श्रमणों को दान दक्षिणा दो, जो माता पिता है उनका सम्मान करो, जो दास है उनका सम्मान करो, जो नौकर है उनका सम्मान करो। कितनी जनरल बातें लिखी हुई है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। फिर आगे लिखो, धम्म में विभिन्न गुणों के बारे में भी बात की है, धम्म में विभिन्न गुणों के बारे में, क्वालिटीज।
धम्म में विभिन्न गुणों के बारे में भी बात की गई है, जैसे सत्यता, अहिंसा, सत्यता, अहिंसा, और वफादारी। और वफादारी आदि गुण हर नागरिक के लिए आवश्यक है। आदि गुण हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दया का भाव, दया का भाव, मीठी वाणी, दया का भाव कौमा मीठी वाणी आदि गुण भी वर्णित है। दया का भाव कौमा मीठी वाणी आदि गुण भी वर्णित है। ठीक है, अब आगे लिखो। इसके साथ ही अब गुणों के बारे में लिखा है, अवगुण, जो गुण नहीं रखने चाहिए इंसान को। इसके साथ ही अवगुण के बारे में लिखा है, जैसे लालच, ईर्ष्या, धोखा, गुस्सा, क्रोध। लालच, ईर्ष्या, धोखा, क्रोध और घमंड। इन अवगुणों को त्याग देना चाहिए। के बाद लिखो, धम्म में किसी और के धर्म, का मजाक उड़ाना, गलत बताया गया है। आगे लिखो, धम्म में दो प्रकार की सहनशीलता, को बताया है। सहनशीलता क्या होती है कोई बताएगा? सहनशीलता, टॉलरेशन, यानी आपको सहन करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप तुरंत क्रोध में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ। सहनशीलता चाहिए होती है समाज में। ये नहीं किसी ने प्रोवोक किया और आप तुरंत प्रोवोक हो गए। सहनशीलता का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, खुद को नियंत्रित करना आना चाहिए, उसको सहनशीलता कहते हैं। दो प्रकार के सहनशीलता के बारे में धम्म में जिक्र किया गया। पहली वह सहनशीलता जो लोग अपने मन में रखते हैं, ये नहीं कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करो कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए जातियों के बीच में, मन में आप अपने भेदभाव रखो तो मन भी आपका क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर दूसरी सहनशीलता लिखो आगे, दूसरी सहनशीलता वह है जो विभिन्न, दूसरी सहनशीलता वह है जो विभिन्न विचारों और आस्थाओं के बीच, विभिन्न विचारों और आस्थाओं के बीच होनी चाहिए। अगर आपका धर्म हिंदू धर्म है तो ये नहीं आप मुसलमान धर्म से नफरत करो, और आपका धर्म अगर मुस्लिम धर्म है ये नहीं कि आप हिंदू धर्म से
नफरत करो, विभिन्न आस्था और विभिन्न विचारों के बीच सामंजस्य। तो कितनी बढ़िया बात की है धम्म में, आज भी उसकी इतनी आवश्यकता है जितनी उस समय में हुआ करती थी। समझ रहे हो, आज भी कोई इतनी विशेष की परिवर्तन थोड़ी ना हुआ। आगे लिखो धम्म की प्रकृति, अगला पैराग्राफ, धम्म की प्रकृति कैरेक्टर, धम्म की प्रकृति, धम्म के विचार उदारवादी और विकासशील, धम्म के विचार उदारवादी और विकासशील दृष्टिकोण से रचे गए, उदारवादी और विकासशील दृष्टिकोण से रचे गए। व्यक्तियों के व्यवहार पर, व्यक्तियों के व्यवहार पर किसी प्रकार की सीमाएं नहीं लादी गई, व्यक्तियों के व्यवहार पर किसी प्रकार की सीमाएं नहीं लादी गई। मान, आगे लिखो, मानवीय विकास, ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय विकास की धारणा को और अधिक विस्तृत किया गया, मानवीय विकास की धारणा को और अधिक विस्तृत किया गया। मनुष्य को साधारण रहने की सलाह दी गई, साधारण सिंपल, मनुष्य को साधारण रहने की सलाह दी गई, जैसे जैसे अनेक धार्मिक कर्म कांड में, जैसे अनेक धार्मिक कर्म कांड में विश्वास नहीं रखना, जैसे अनेक धार्मिक कर्म कांड में विश्वास नहीं रखना। फिर इसके आगे लिखो, धम्म, धम्म समानता की नीति, धम्म समानता की नीति को लक्षित करता है, धम्म समानता की नीति को लक्षित करता है, यानी बताता है, लक्षित करता है, जैसे जैसे विभिन्न समुदायों के बीच, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच कोई भेदभाव न होने, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना। फिर अगली प्रकृति कौन सी है, धम्म की प्रकृति अहिंसक है, धम्म की प्रकृति अहिंसक है, यानी हिंसा को प्रमोट नहीं करता, धम्म में जो भी कहा गया है वो अहिंसा को प्रमोट करता है, धम्म की प्रकृति अहिंसक है। फिर इसके आगे लिखो, धम्म नैतिक आचरण, धम्म नैतिक आचरण और मानवीय मूल्यों का गुणगान करता है, धम्म नैतिक आचरण और मानवीय मूल्यों का गुणगान करता है। फिर आगे लिखो इसकी प्रकृति में, धम्म सार्वभौमिक, धम्म सार्वभौमिक और विश्ववादी प्रकृति का है, धम्म सार्वभौमिक और विश्ववादी प्रकृति का है, अतः इसके सिद्धांत दुनिया के, अतः इसके सिद्धांत दुनिया के किसी भी कोने में स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः इसके सिद्धांत दुनिया के किसी भी कोने में स्वीकार किए जा सकते हैं। फिर आगे लिखो, धम्म शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, धम्म शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस,
के बारे में बात करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में बात करता है। अतः सहनशीलता, अतः सहनशीलता के सिद्धांत को दर्शाता है। अतः सहनशीलता के सिद्धांत को दर्शाता है। धम्म धम्म की प्रकृति व्यापक और समग्र है। धम्म की प्रकृति व्यापक और समग्र है क्योंकि क्योंकि धम्म की विषय वस्तु क्योंकि धम्म की विषय वस्तु मानवीय जीवन के धम्म की विषय वस्तु मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को छूती है। क्योंकि धम्म की विषय वस्तु मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को छूती है, यानी मानवीय जीवन के सभी पहलुओं के बारे में बात करके, क्रोध के बारे में बात करके, शांति के बारे में बात करके, ईर्ष्या के बारे में बात करके, सभी मानवीय पहलू टच अपॉन होते हैं। धम्म की प्रकृति धर्म निरपेक्ष है। धम्म की प्रकृति धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर। धम्म की प्रकृति धर्म निरपेक्ष है। फिर आगे लिखो, धम्म ने राजत्व के नए आदर्श स्थापित किए। धम्म ने राजत्व के नए आदर्श स्थापित किए। इसके विपरीत अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा किसी का भी ऋणी नहीं होता, राजा किसी का भी ऋणी नहीं होता, कोमा राजा का एकमात्र कार्य राज करना है। तो राजत्व का नया आदर्श यहाँ पे क्या है जो धम्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? वह राजत्व है आम जनता की भलाई के बारे में सोचना, उनके न केवल भौतिक विकास बल्कि नैतिक विकास के बारे में भी सोचना। अशोक ने अपने सिद्धांतों की स्वयं अनुपालना करके समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया जैसे वह स्वयं शाकाहारी बन गया, उसने बातें ही नहीं की, उसको प्रैक्टिस भी किया है उसने, जैसे वह स्वयं शाकाहारी बन गया और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं शाकाहारी बन गया और मांसाहारी भोजन पर महल में प्रतिबंध लगा दिया, कौमा स्वयं ने शिकार करना बंद कर दिया, स्वयं ने जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया। तो अगर उसने धम्म में अहिंसा के बारे में बात की है तो उस अहिंसा को उसने अपनाया भी अपने जीवन में, ठीक है, जो कहा वो करके दिखाया अशोक ने। अशोक का धम्म
अशोक का धम्म एक प्रकार से यूनिफॉर्म, अंग्रेजी में लिखो उसको, हिंदी में इसका है नहीं, यूनिफॉर्म UNIFORM, यूनिफॉर्म UNIFORM, यूनिफॉर्म सिविल CIVIL, यूनिफॉर्म सिविल कोड CODE, कोड। अशोक का धम्म एक प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को दर्शाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड को दर्शाता है, यानी एक देश एक कानून। इसका मतलब है एक देश है और वहां पे एक ही कानून हो, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो। जैसे भारत में क्या है, मुसलमानों के लिए कुछ अलग कानून है ना, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। भारत में भी आज के समय में मांग उठाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून है, ठीक है। यानी इसका अर्थ है एक देश और एक कानून, जो आज के समय संविधान के, जो आज के समय संविधान की धारा 44, जो आज के समय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत दिया हुआ है, जो आज के समय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आगे लिखो अगला पैराग्राफ, धम्म को किस प्रकार से धम्म का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया, धम्म का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया। उस टाइम के ऑल इंडिया रेडियो तो था नहीं, ना कोई मन की बात किया करता रहा, ना कोई टीवी चैनल था उस समय में, तो किस प्रकार से उसने अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाई। चट्टानों और स्तंभ लेखों पर, चट्टानों और स्तंभ लेखों पर अभिलेख लिखवाकर, चट्टानों और स्तंभ लेखों पर अभिलेख लिखवाकर साम्राज्य के कोने कोने तक प्रचार प्रसार किया गया, समाज के कोने कोने तक प्रचार प्रसार किया गया। अभिलेखों को लगवाने का स्थान, अभिलेखों को लगवाने का स्थान बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सावधानी से चुना गया, बहुत ही सावधानी से चुना गया। अतः वह स्थान जो जो सबके लिए सुलभ हो, सुलभ एक्सेसिबल, सुलभ सुगम हो, वह स्थान जो सबके लिए सुगम हो, जो हर कोई एक्सेस कर सके उस स्थान को आसानी से। जैसे व्यापारिक मार्ग हो सकते हैं, शहर के बीचों बीच का एरिया हो सकता है, तो उसने बहुत ही चुनकर और सोच समझ के उन स्थानों को फाइंड आउट किया। फिर आगे लिखो, अशोक ने लोकप्रिय भाषा का इस्तेमाल किया, जो अशोक ने लोकप्रिय भाषा का इस्तेमाल किया जो प्राकृत थी, अशोक ने लोकप्रिय भाषा का इस्तेमाल किया जो प्राकृत थी। आगे लिखो, धम्म के विचारों, धम्म के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, धम्म के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र, अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। फिर आगे लिखो, अशोक स्वयं ने
अशोक स्वयं ने धम्म यात्रा की शुरुआत की, अशोक स्वयं ने धम्म यात्रा की शुरुआत की ताकि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर ताकि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा सके, ताकि समाज के विभिन्न हिस्सों में पहुंच के स्थिति का जायजा लिया जा सके। जैसे जैसे अशोक और उनके अधिकारी जैसे अशोक और उनके अधिकारी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पे गए, जैसे अशोक और उसके अधिकारी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर गए, अधिकारियों को ऑफिशियल विजिट थे। हर पांच साल में राजा स्वयं साम्राज्य भ्रमण में निकलता था। हर पांच साल में राजा स्वयं साम्राज्य भ्रमण पर निकलता था। हर पांच साल में राजा स्वयं साम्राज्य भ्रमण पर निकलता था। तो लिखो, धम्म के आदर्शों ने प्रशासन के द्वारा जन कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहित किया। धम्म के आदर्शों ने प्रशासन के द्वारा जन कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहित किया। जैसे पेड़ पौधे उगाना, रेस्ट हाउसेस बनवाना, अस्पताल का निर्माण करना लोगों की सुविधा के लिए। फिर आगे लिखो, धम्म के विदेशों में प्रसार के लिए अशोक ने राजकीय दूतों को भेजा। अशोक ने विदेशों में धम्म के प्रसार के लिए राजकीय दूतों को, रॉयल एम्बेसडर्स, राजकीय दूतों को भेजा। जैसे इजिप्ट, जैसे मिस्र, इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र, जैसे इजिप्ट कॉमा सीरिया कॉमा मैसिडोनिया, इजिप्ट सीरिया कॉमा मैसिडोनिया। तो अगर आप पिछली जैसा सब्जेक्ट आप आगे रखते हो, तैयारी करते हो, आपको पता होना चाहिए कहां कहां पे दूत भेजे हैं। इजिप्ट में भेजा है, सीरिया में भेजा है, मैसिडोनिया में भेजा है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पांच ऑप्शन दे रखे हैं, पांच में से कौन से चार स्थानों पे इसने अपने दूत भेजे हैं। तो ये रट्टा मारने की चीज है जो आगे इतिहास को रखना चाहते हैं। अशोक ने जनता के मध्य वाद विवाद भी करवाया, पब्लिक डिस्कोर्सेस। अशोक ने जनता के मध्य वाद विवाद भी करवाया ताकि धम्म का संदेश आम जनता तक पहुंचाया जा सके, ताकि धम्म का संदेश आम जनता तक पहुंचाया जा सके। अंत में अशोक ने दैवत्व के सिद्धांत का प्रयोग किया। अंत में अशोक ने दैवत्व के सिद्धांत का प्रयोग किया और कहा कि धम्म की अनुपालना करने वाले स्वर्ग में
जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, हर प्रकार से धम्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई और देवत्व का भी उन्होंने प्रयोग कर लिया। अशोक ने अपने अभिलेख में लिख दिया कि जो लोग धम्म की अनुपालना करेंगे वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। आगे लिखो प्रभाव, धम्म की नीति के प्रभाव, धम्म की नीति के प्रभाव। इसमें लिखो साम्राज्य को राजनैतिक दृष्टिकोण से संगठित करने में सहायता मिली। साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित करने में सहायता मिली। फिर अगला पॉइंट लिखो, सामाजिक और धार्मिक स्थायित्व सुनिश्चित हुआ। सामाजिक और धार्मिक स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्थायित्व, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, सामाजिक और धार्मिक स्थायित्व सुनिश्चित हुआ और अशोक के जिंदा रहने तक, और अशोक के जिंदा रहने तक, अशोक के जिंदा रहने तक साम्राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह हो, और अशोक के जिंदा रहने तक साम्राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह या संकट उत्पन्न नहीं हुआ। किसी प्रकार का विद्रोह या संकट उत्पन्न नहीं हुआ। अगला प्रभाव क्या है? अशोक ने अपनी जनता का नैतिक विकास सुनिश्चित किया। अशोक ने अपनी जनता का नैतिक विकास सुनिश्चित किया। अशोक ने अपनी जनता का नैतिक विकास सुनिश्चित किया। फिर इसके बाद आगे लिखो, अशोक ने अंतरराष्ट्रीय नीति के अंतर्गत, इंग्लिश में लिखो आप, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। सॉफ्ट पावर, SOFT, सॉफ्ट पावर, POWER, SOFT POWER, अंतरराष्ट्रीय नीति के अंतर्गत सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। अर्थात अर्थात विदेशों में भी, अर्थात विदेशों में भी सांस्कृतिक विजय का प्रयास करना, अर्थात विदेशों में भी सांस्कृतिक विजय का प्रयास करना। तो सॉफ्ट पावर का मतलब समझ गए क्या होता है? क्या होता है आज के समय में अखबार वगैरह मैगजीन में आते रहते हैं सॉफ्ट पावर, भारत को अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ानी चाहिए। तो क्या है सॉफ्ट पावर? एक तो होती है हार्ड पावर, है ना, एक होती है सॉफ्ट पावर। जैसे नरेंद्र मोदी चाहता है कि भारत की सॉफ्ट पावर बढ़े, तो उसमें क्या करेगा नरेंद्र मोदी, कोई बता सकता है सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं? इसके IAS के मेंस में ऐसे आया हुआ है सॉफ्ट पावर के ऊपर, 1500-2000 शब्दों में लिखने के लिए। किसी को पता है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है? किसी को भी आप गैस भी मार सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं। हार्ड पावर किसी देश की क्या हो सकती है और सॉफ्ट पावर क्या हो सकती है, बताओ। हार्ड पावर देखो, एक देश की दो प्रकार की शक्तियां होती है। जब भी कोई देश ताकतवर बनता है तो दोनों प्रकार की शक्तियां होना जरूरी है। एक है हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब क्या है? किसी देश के पास अच्छी खासी सैनिक ताकत होनी चाहिए, ठीक है। उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, उसके पास सैन्य ताकत होनी चाहिए, उसके पास हथियार होने चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, उसके पास सबमरीन होना चाहिए, उसके पास एयरक्राफ्ट होने चाहिए, ठीक है। ये तो हार्ड पावर है। सैन्य शक्ति में इजाफा, भारत के पास है सैन्य शक्ति, है ना, अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है। फिर दूसरी चीज आती है सॉफ्ट पावर भी होनी चाहिए। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति का प्रभाव विदेशों में भी होना चाहिए। भारत का जो रहन सहन है, खान पान है, भारत का जो विचार है, भारत के जो महात्मा गांधी है, इनका प्रभाव विदेशों में भी होना चाहिए। इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो भारत के पास सॉफ्ट पावर भी है
है ना, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत अधिक महान है, और खासकर जो भारत से खूब सारे भारतीय लोग हैं जो विदेशों में जाके रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इजराइल में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, वो क्या है, भारत के समर्थक ही एक प्रकार से। वो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय लोग, लेकिन भारतीय हितों को वहां पे सुनिश्चित करते हैं। जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनपे थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाता है कि भारत के प्रति एक अच्छी नीति रखें जो भारत के हित में हो, समझ गए ना, उसका क्या फायदा होता है सॉफ्ट पावर का। और जितने भी लोग हैं भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय हैं, वो किन से जुड़े हुए हैं, वो भारत की फिल्मों से जुड़े हुए हैं, वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारत के बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, भारत के खान पान से जुड़े हुए हैं, समझ गए ना। तो विदेश में रह रहे भारतीय लोगों को भी कनेक्ट करने का तरीका है सॉफ्ट पावर बढ़ा के। वो हमेशा अपनी सरकार पे दबाव डालते हैं कि कोई भी आप ऐसा स्टेप ना लीजिए जिससे भारत को नुकसान हो। क्यों? क्योंकि जो भारतीय अमेरिका में है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा वोट बैंक है, समझ गए, 4-5% और भारतीय वहां की जनसंख्या के, तो वो चुनाव के नतीजों में परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए उनकी सुननी पड़ती है वहां के राष्ट्रपति को भी, क्योंकि उनको वोट चाहिए, भारतीयों को भी वोट चाहिए वहां पे। भारतीय तो हमेशा इमोशनली अपने देश से कनेक्ट रहेंगे और इसी के हितों के बारे में सोचेंगे। तो जैसे अगर अपन बात करें जो भारत है, भारत की सॉफ्ट पावर कहीं अधिक है, पाकिस्तान की इतनी नहीं है सॉफ्ट पावर, है क्या पाकिस्तान की इतनी सॉफ्ट पावर, नहीं है ना। पाकिस्तान की फिल्में भी बाहर नहीं देखी जाती है इतनी, कंपेरेटिवली अगर अपन कंपैरिजन करें। उसी प्रकार से अगर अपन चीन के बारे में बात करें तो चीन की भी अच्छी खासी सॉफ्ट पावर है, पूरी दुनिया में चीनी लोग बैठे हुए हैं, चीन की अपनी एक अलग संस्कृति है, उनका एक अलग लहजा है, अलग खान पान है जो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। नूडल्स है ना, नूडल्स जो खाते हैं ये चाइनीज ही है एक प्रकार से, और पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीजें चला करती है। तो एक देश के पास दोनों प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए, तो ये चीज किसने समझी, ये तो आज के समय में समझते हैं ना। तो इतनी कूटनीतिक चीज समझी है उस समय अशोक ने, आज से 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, समझो उसका विजन कितना ब्रॉड था अशोक का, इतनी बारीकी वाली जो चीजें उनको भी समझ गया कि विदेश में अपने धम्म का प्रचार करना है तो सांस्कृतिक विजय चलानी पड़ेगी, ये नहीं वहां पे जाके सेना भेजो और आक्रमण करो उनको हरा दो, लोगों के मन में राज करना पड़ेगा। जैसे इजिप्ट में उसने अपने दूत भेजे, सीरिया में अपने उसने दूत भेजे, ठीक है, तो लोगों को वैचारिक स्तर पे प्रभावित करने का तरीका है, आइडियोलॉजी के लेवल पे इन्फ्लुएंस करने का तरीका है कि लोगों के विचार को बदला जाए, और इसी तरीके से सांस्कृतिक विजय की पूरी कोशिश की गई अशोक के द्वारा धम्म के माध्यम से। तो एक लास्ट लाइन लिखो, प्रभाव में अशोक की मृत्यु के पश्चात, अशोक की मृत्यु के पश्चात धम्म का महत्व कम हो गया, अशोक की मृत्यु के पश्चात धम्म का महत्व कम हो गया और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया, और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो आज अपन ने धम्म के बारे में बात की है, कल अपन मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आज का अपना ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।